हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। CHSL जो आपका 10+2 लेवल का वैकेंसी होता है, उसका फॉर्म आउट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 10 अप्रैल तक फॉर्म आ जाएगा और लीजिए 8 अप्रैल को ही फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो आइए इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल वे में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए और आप डाउनलोड करके थोरो आउट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे CHSL होता क्या है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये क्या होता है आपका, जो इंटर पास बच्चे हैं उनके लिए ये भर्ती होती है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो आपका 3712 पोस्ट पे आपका सीट रहेगा, मतलब कि 3800 के करीब सीट रहता है। पोस्ट नेम की बात करें तो मैंने पहले आपको तीन तरह के पोस्ट बताए थे, LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पर दो नए पोस्ट देखने को मिले हैं। LDC तो जानते ही हैं, JSA भी जानते हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इतने तरह के आपको पोस्ट हो जाएंगे। अप्लाई की तिथि मैंने पहले ही बता दिया कि 8 अप्रैल से ऑनलाइन हो रहा है और लास्ट डेट जानते चलिए कि 7 मई आपका अंतिम तारीख है। तो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द SSC के नए वेबसाइट पर OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिए और इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। चलिए आगे बता दूं कि अप्लाई करते वक्त आपसे फ़ी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज़ लिया जाएगा। SC ST फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और फीमेल कैंडिडेट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि एज की लिमिट क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू किस डेट से आपका एज कैलकुलेशन होगा। एज ऑन 1 अगस्त 2024 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स, मतलब कि आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का। अब रही बात क्वालिफिकेशन की, तो मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ कि 10+2 लेवल है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसमें सोचेंगे कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, किस स्ट्रीम वाले बच्चे, तीनों ही स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पास ही नहीं, अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग जानेंगे सिलेक्शन की प्रोसेस, लेकिन उससे पहले जरूरी है क्या, इम्पॉर्टेंट डेट, मतलब कि एग्ज़ाम का डेट बताते चलूँ Tier 1 के लिए। फ्रेंड्स, SSC ने नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जिसमें बताया है कि आपका जो CHSL का एग्ज़ाम होगा ना, 1 से 12 जुलाई, मतलब कि 1 to 12 जुलाई आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्रिपरेशन की स्पीड को और बूस्ट करिए, तैयारी अच्छी रखिए। आप चलिए आप देख लेते हैं कि सिलेक्शन किन किन स्टेज से गुजरने के बाद होगा। यहाँ पर आपको मेजर 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज पे Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करोगे तो Tier 2 होगा। फिर क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग का टेस्ट होगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपका ग्रुप C का पोस्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसके तहत आपको ऑल इंडिया के अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में IB, NTRO, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी मैंने एक अलग वीडियो बना के बताया, तो उसमें जाके आप देख लेना, वहाँ पर आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। चलिए फिलहाल हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। Tier 1 का जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए। समय जो मिलता है ना, 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट का समय रहता है। निगेटिव मार्किंग भी है, सो बी अवेयर, यहाँ पर आपको 1/2 यानी कि 0.50 का निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स से 25 क्वेश्चंस है 50 नंबर के लिए। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन भी है 50 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि आप Tier 1 का एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए होंगे। इसमें क्वालिफाई करेंगे तब क्या होगा, Tier 2। Tier 2 में आपको 2 सेशन होगा फ्रेंड्स। पहले सेशन में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सेकेंड सेशन में आपको Tier 2 का जैसे एग्ज़ाम दिए सेशन 1 में, और सेशन 2 के समय आपका टाइपिंग होता है।
चलिए हम लोग विस्तार में देख लेते हैं। सेशन वन में भी 3 सेक्शन होता है। सेक्शन वन में मैथ और रीजनिंग से 30-30 क्वेश्चंस है, टोटल 60 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के हो गया। एक क्वेश्चन पे मिलेगा 3 नंबर, तो 180 नंबर का ये हो गया। और समय इसके लिए 1 घंटा रहेगा सेक्शन वन के लिए। सेक्शन टू के लिए जीके और इंग्लिश का रहेगा 60 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जीके से और 40 क्वेश्चन इंग्लिश से। वही बात हो गया आपका, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, तो 60 क्वेश्चन का 180 नंबर मिलेगा, इसके लिए भी 1 घंटा समय रहेगा। सेक्शन थ्री में आपको कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 45 नंबर के लिए, समय 15 मिनट का होता है। तो जब आप सेशन वन कंप्लीट करेंगे तो सेशन टू में टाइपिंग होता है 25 मिनट के लिए। अब आपको पता है कि टाइपिंग में क्या, इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का। और जब आप टीयर टू क्वालिफाई करते हो तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया जाएगा, तो आप ज्वाइन करोगे। तो सैलरी क्या मिलेगी, आइए मैं बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका सैलरी ना स्टार्टिंग में होता है 25,500 रुपीज़। मतलब कि आपका जैसे सिटी वाइज भी डिफर करता है, 25,000 से 30,000 के बीच में शुरुआती सैलरी मिलेगी, बाद में आपका सैलरी बढ़ के 81,100 मतलब 81,100 रुपीज़ हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, जल्द से जल्द अच्छी तैयारी करके आप अपना एक सीट अचीव करो। आई होप कि इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी मैंने आपको डिटेल्स बताए सारा डिटेल क्लियर हो गया। अब भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो एक लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलूँगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।